कोरोना महामारी से बचने के लिए अब कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला सोलन में भी 3 स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया व अपनी तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल एवं साई संजीवनी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस पूर्वाभ्यास को करने का मुख्य उद्देश्य जैसे ही कोरोना वैक्सीन आती है वैसे ही यह लोगों को लगाई जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने सोलन में बने 3 वैक्सीन सेंटरों में जाकर तैयारियों का स्वयं जायजा लिया। कोरोना वैक्सीन सेंटर में सभी कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल सहित आयुर्वेदिक अस्पताल एवं एक निजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया, इसमें सभी चीजों की एहतियात बरती जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगने से लेकर लगने के बाद ऑब्जर्विंग के लिए स्टाफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में कोविड वैक्सीन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज हमारा वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है और आज ड्राई रन हमारा 3 जगहों पे चलेगा, एक रीजनल हॉस्पिटल सोलन में, एक साई संजीवनी हॉस्पिटल और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो इसमें हमने अपनी जो तैयारियाँ हैं उसकी समीक्षा की है। तो RS सोलन में मैंने अभी चेक किया है तो लगभग हमारी तैयारियाँ ठीक चल रही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इनको जो दिशा निर्देश हैं आवश्यक वो मैंने सबको दे दी। वैसे जो हमारी स्कीम है उसमें तो 100 के करीब रोज के इंजेक्शन एक सेंटर में लगेंगे, पर ड्राई रन में हमारे को पता लगेगा कि एग्जैक्ट हम कितने अभी लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे और फिर उसके बाद जो फेज़ बढ़ेगा उस फेज़ में हमारे ये जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं वो आएंगे, ऐसे करते करते हमारे फेजेस बढ़ते रहेंगे। PR TV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।